अब एक बार फिर वो तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपको सरकार प्रशासन के दावे पर सवाल करने चाहिए कि आखिर तमाम दावों के बावजूद राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर से नाबालिग के बाल विवाह होने के बाद माता के मंदिर में परिक्रमा करने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में देखिए कैसे चामुंडा माता मंदिर में एक नाबालिग जोड़ा धोख लगाने के लिए पहुंचा है। उसी वक्त इन तस्वीरों को कैद किया गया है। हमारे सहयोगी ने इस वीडियो को काफ़ी दूर से बनाया है क्योंकि कई मर्तबा आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि जब जब रिपोर्टर समाज में फैली बुराइयों के विरुद्ध ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं तो उनके साथ मारपीट जैसी घटना बड़ी आसानी से कर दी जाती है। वहीं इन तस्वीरों से ये स्पष्ट हो रहा है कि बाल विवाह को रोकने के भले ही लाख दावे किए जाएं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे समाज में अभी भी अज्ञानता इतनी है कि ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। जानकारी के मुताबिक नाबालिग जोड़े का विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था और जोड़ा रावत समाज का है जिसकी धोख लगाने के लिए चामुंडा माता मंदिर जो कि अजमेर के फायसागर रोड पर स्थित है पर जोड़े को लाया गया था। खैर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे बचपन को दो परिवार मिलकर खत्म कर रहे हैं। वहीं नन्हे नन्हे हाथों में लगी मेहंदी ये दर्शा रही है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलकूद करना चाहिए उस उम्र में परिवार ने इस छोटे से बचपन को कैसे खत्म कर दिया है।